स्मार्ट सिटी के नाम पर फड़ पटरी ठेले खोमचे वालों को उजाड़ने के खिलाफ आज जीविका बचाओ आंदोलन समिति द्वारा प्रदर्शन कर ज्ञापन नगर आयुक्त कार्यालय को सौंपा। कहा गया कि फड़ पटरी ठेला खोमचे वालों की जीविका बचाओ आंदोलन समिति को स्मार्ट सिटी के नाम पर बड़ी संख्या में वर्षों से इस व्यवसाय से जुड़े लाखों लोगों को उजाड़ने से उनमें गहरा रोष व्याप्त है। आसमान छूती महंगाई, बेरोजगारी तथा नोटबंदी, मीटबंदी व GST की मार से शहर का गरीब तबका बेहाल है और वह ठेला खोमचे आदि लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। ऐसे में उनके कारोबार को खत्म कर उजाड़ने से वह भुखमरी की कगार पर आ जाएंगे। टाउनहॉल पर पिछले काफी वर्षों से गरीब अपने फड़ ठेला लगाकर अपने परिवार का पालन करता चला आ रहा है, जिसे नगर निगम द्वारा बलपूर्वक हटा दिया गया और सामान को भी नष्ट कर दिया गया, जिससे उनके परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। ऐसे सभी लोग बेरोजगार हो दर दर भटक रहे हैं। कई बार इस मामले की संज्ञान में लाने के बाद भी आज तक कोई संतोषजनक कार्य नहीं किया गया। मांग की गई कि सभी ठेला फड़ वालों को पूर्व की भांति उनके स्थान पर फड़ व ठेले लगने दिए जाएं। फड़ पटरी ठेले खोमचे वालों को बेडरेस जोन बनाकर उचित स्थान को आवंटित सुनिश्चित कर दिया जाए। ज्ञापन देने वालों में ज्योति सैनी, श्याम सुंदर सैनी, रामचंद्र गामा सिंह, विनोद रियाज अहमद, दिलीप छाबड़ा, जिशान धर्मवीर, शाकिर हरिकिशोर सिंह, सुरेश चंद्र आदि उपस्थित थे। मेरा नाम सिकंदर आलम। चलो चलो आप जल्दी बताइए क्या समस्या है। पूर्व समस्या हमारी ये है कि हम नगर निगम के चारों तरफ 40-45 लोग वहाँ फड़ लगाते हैं। चलो चलो 40-50 साल पुराने हम लोग हैं और हमारे ये चाचा हैं, बहुत पुराने हैं, ये सब लोग वहाँ पे लगाते हैं। 19 जून को नगर निगम ने सारे फड़ को वहाँ से हटा दिया गया है और हमारे व्यवस्था करने के बजाय पहले उन्होंने हमें उजाड़ दिया। ना हमारी व्यवस्था की गई और ना हमें वहाँ पे बसाया गया और ना ही हमें कोई जगह दी जा रही है। एक महीने से हम सारे फड़ वाले बहुत परेशान हैं और इतने ज़्यादा परेशान हैं कि उनके परिवार में, हमारे परिवार में बच्चे भूखे मर रहे हैं और हमारे साथी अस्पताल तक में एडमिट हैं। इतना सदमा लगा है, उनकी हालत नाजुक है। वो हॉस्पिटल में कुलदीप सिंह हमारे सरदार जी हैं, वो एडमिट हैं और हम नगर निगम DM कार्यालय नगर और कमिश्नर जी और आपके मेयर साहब के यहाँ हर जगह जा जाकर चक्कर लगा के एक महीने से हम थक गए हैं, परेशान हो गए हैं। अब नौबत ही आ गई है कि हम सड़क पर अपना आंदोलन कर रहे हैं। हमारी प्रशासन से, शासन से यही गुजारिश है कि हमारे घर वालों का, हमारे बच्चों का ख्याल करते हुए, उनकी हमारी रोजी रोटी का ख्याल करते हुए, जब तक हमारी जगह पर व्यवस्थित नहीं हो जाती है हमें वहीं पर लगाकर हमारी रोजी रोटी सुचारू रूप से चलाने दिया जाए, हमारे परिवार का पालन पोषण करने दिया जाए और जब हमारी व्यवस्था की जाए तब हम वहाँ से सभी 126 लोग वहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे। और हमारी वेडिंग जोन में भी उन्होंने फाइल तैयार हो गई थी, लेकिन किस कारणवश क्यों उन्होंने इस चीज़ को रद्द किया, इसका जवाब हमें उन्होंने अभी तक नहीं दिया है। हमारे लिए वेडिंग जोन बना दिया गया था कंपनी बाग में, सबके लिए। हम सब भाई जितने भी गरीब लोग हैं आज इतने परेशान हैं कि खाने को परेशान है, हमारे पास खाने के लिए नहीं है, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं गई है, जिनके बूढ़े माँ बाप बीमार हैं उनके वो परेशान हैं, उनके दवाइयों